वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें कि अप्लाई होना शुरू हो गया है, और आरआरबी एनटीपीसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, एंड उसके बाद जो आपकी पोस्ट पैरामीटर्स हैं उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, और उसके बाद है कि आपको आरआरबी वाइज वैकेंसीज क्या क्या हैं, इसमें किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज़ हैं वो आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि हमें कौन सी आरआरबी में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आती है आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 1000 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से के 486 हैं यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, एंड ऐसे ही सभी के लिए जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनके लिए अलग हैं। और इसमें इस बार ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दी गई है, जिसमें के 97 वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल 1000 के करीब है, और सबसे ज़्यादा जो के स्टेशन मास्टर की हैं 290, एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हैं 282। इन सभी के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए आपको पोस्ट पैरामीटर वाली वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले आपको देख लेना चाहिए। इसके आगे है हमारे पास आरआरबी है, इसके बाद हमारे पास अजमेर, जिसमें कि आपके पास हैं इसमें तकरीबन 1800 वैकेंसीज़ हैं। तो अहमदाबाद से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और स्टेशन मास्टर की 560 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और बाकी वैकेंसीज़ भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आरआरबी अजमेर में भी आपका अप्लाई हो सकता है। इसमें जो है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का रीजन इसमें आ जाता है। तो आरआरबी अजमेर है ये। इसके बाद है आपके पास आरआरबी इलाहाबाद। आरआरबी इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 4000 वैकेंसीज़ हैं, टोटल 4100 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। तो गुड्स गार्ड की 1000 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, एंड स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और अप्रोक्सीमेटली आपके पास 400 से अबव हैं, 450 के तकरीबन यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। और गुड्स गार्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अगर आप यह टोटल देखेंगे तो 1400 बन जाएंगी। तो ऐसे ही इसमें हर एक के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ रेलवे एंड DLW का रीजन इसमें आ जाता है, तो इसमें भी आपका अप्लाई हो सकता है। इलाहाबाद अगर आपका ये रीजन है, अगर आपका ये होम टाउन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास आरआरबी बेंगलोर। आरआरबी बेंगलोर में आपको टोटल 2400 के तकरीबन वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, जिसमें कि स्टेशन मास्टर की तकरीबन 1000 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अप्रोक्सीमेटली 500 वैकेंसीज़ हैं। सो आरआरबी बेंगलोर, अगर आप बेंगलोर की साइड में से हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है भोपाल। तो भोपाल में टोटल 1000 के तकरीबन वैकेंसीज़ हैं, तो बाकी की आरआरबी के मुकाबले यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं हैं। तो इसमें जो स्टेशन मास्टर की 114 हैं एंड 178 है यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ऐसे ही ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के रीजन्स मिल जाएंगे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, यहाँ पर ओनली 498 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको ओनली 498 मतलब के 500 वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, तो जिसमें कि आपको स्टेशन मास्टर की 61, गुड्स गार्ड की 116 वैकेंसीज़ हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आरआरबी बिलासपुर है। बिलासपुर में 1200 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पर भी आपका अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जिन आरआरबी में वैकेंसीज़ की यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पर मुकाबला इतना ज़्यादा नहीं रहता। इसके बाद है आरआरबी चंडीगढ़ है, यहाँ पर के 2400 वैकेंसीज़ हैं, तो जिसमें कि आपको स्टेशन मास्टर की 362 मिल जाएंगी, गुड्स गार्ड की 220 मिल जाएंगी। इसमें नॉर्थ
रेलवे के सभी पार्ट आते हैं नॉर्थ रीजन के। नेक्स्ट है इसमें आरआरबी चेन्नई है, जहां पर 2600 के तकरीबन वैकेंसीज हैं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको टोटल जो स्टेशन मास्टर की 600 वैकेंसी मिल जाएंगी, ऐसे ही बाकी की सभी डिफरेंट वैकेंसीज आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास आरआरबी गोरखपुर है, गोरखपुर में आपको 1298 वैकेंसीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज आरआरबी गुवाहाटी, गुवाहाटी में ओनली 851 है। गुवाहाटी में आपको गुवाहाटी की साइड का रीजन यहां पर मिलेगा, मतलब कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर ईस्ट की साइड जो इंडिया में है वो रीजन इसमें मिलेगा। इसमें टोटल 800 के तकरीबन वैकेंसीज हैं, तो अगर आप इस साइड पर जाना आपके लिए इजी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जम्मू का रीजन है, जम्मू श्रीनगर है, यहाँ पर आपको टोटल 898 वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो इसमें नॉर्थ रेलवे के कुछ पार्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही वैकेंसीज की वैल्यू बहुत ही दूसरी आरआरबी के मुकाबले इतनी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है आरआरबी कोलकाता, कोलकाता में 2900 के तकरीबन वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की आपको तकरीबन 350 वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, ऐसे ही बाकी सभी हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर आपको 600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ मिल जाएंगी। तो ये है आरआरबी कोलकाता। नेक्स्ट वन इज़ द आरआरबी मेहिदा, आरआरबी मालदा, यहाँ पर आपको 1000 के तकरीबन वैकेंसीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ आरआरबी मुंबई है, जहाँ पर कि आपको 3665 वैकेंसी मिल जाएंगी, तकरीबन 3700 के तकरीबन यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ आरआरबी मुजफ्फरपुर, जहाँ पर आपको टोटल 300 वैकेंसीज हैं, एंड आरआरबी पटना है, यहाँ पर आपको टोटल 1000 वैकेंसीज मिल रही हैं। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आरआरबी रांची है, यहाँ पर के आपको 1400 वैकेंसीज मिल सकती हैं। इसके बाद है आरआरबी सिकंदराबाद है, जहाँ पर के आपको 3000 के तकरीबन वैकेंसीज मिल रही हैं। तो आप आरआरबी सिकंदराबाद में भी अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है आरआरबी सिलीगुड़ी, जहां पर के ओनली 443 वैकेंसीज हैं, तकरीबन 500 के तकरीबन। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में आपको मिल जाएंगी टोटल वैकेंसीज। तो इसके बाद है आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम, जहां पर के आपको 897 वैकेंसीज मिल जाएंगी। तो टोटल अगर आप इसका ग्रैंड टोटल करते हैं सभी वैकेंसीज का, तो टोटल 35,000 वैकेंसीज हैं। तो आपको आरआरबी कैसे चूज़ करनी है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अगर अपने आसपास ही कहीं पर जॉब करना पसंद करते हैं तो आपको अपने रीजन की आरआरबी में ही अप्लाई करना चाहिए, दूसरे रीजन में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आप ये देखेंगे कि कंपटीशन की तरह आप देखते हैं कि आप इंडिया में किसी भी रीजन में जाकर जॉब करना पसंद करेंगे, तो आपको ये देखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो वैकेंसीज कहाँ पर ज़्यादा हैं, एंड कहाँ पर उसमें जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला, वहाँ पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में जॉब करना पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि कंपटीशन तो हर जगह ही बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, तो आपको अपनी पसंदीदा रीजन के मुकाबले, रीजन के अकॉर्डिंग जहां पर आपको जॉब करना इजी रहे, क्योंकि आपको बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी भर वहां पर जॉब करनी होगी, इसलिए पहले ही आपको आरआरबी यही सोचकर उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करनी चाहिए और उसमें आपको अप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
एंड साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड बाकी की आरआरबी के अकॉर्डिंग, आरआरबी की प्रेपरेशन के लिए, आरआरबी एनटीपीसी जेई सीएमए की प्रेपरेशन के लिए उनके रिलेटेड सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।